आप सभी लोग को नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं पीहू किचन में दही की रेसिपी। आप पूरे परिवार को ये रेसिपी बनाकर खाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं पूरे फैमिली के साथ। तो देखिए, बनाने के लिए रेसिपी हमारा 4 मीडियम साइज का आलू है और हमारी कुछ आधी खोरिया मतलब दही है और 2 मीडियम साइज का प्याज है और कुछ लहसुन का कली 8 से 10 कली है, 1 आधी का टुकड़ा है और 2 चम्मच हमारी लाल मिर्च का पाउडर है। तो हमें मिक्सचर का जाल का यहाँ नहीं इस्तेमाल करना है, हमें कुटना का लेना है। तो हम कुटने में अपना जो प्याज और लहसुन का अदरक है तो हम दरदरा आप लोग देख सकते हैं पेस्ट हम बनाकर तैयार कर दिए हैं। आपको इतना कूटना है जितना जानवर, उसी में अपना हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम इसी लहसुन के पेस्ट में और अदरक में हम अपना हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच डाल दिए हैं कलर के हिसाब से, और 1.5 चम्मच गरम मसाला डालना है हमें। और कोई मसाला की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गरम मसाला डालना है और हल्दी पाउडर और अदरक और लाल मिर्च का पाउडर और लहसुन का, सभी हमारा पेस्ट मिलकर एकदम तैयार हो चुका है। जो हम अब दही रखे हैं उसको दही में भी हम उसी में खनकट्टे में हम अपना कुटने में डाल देंगे। थोड़ा पानी भी दही का कटोरी में खंगाड़ कर 4 चम्मच हम उसी में इतना मिक्स करना है हमें कि जो हमारी दही है अच्छी से मसाला में घुल जाए। नहीं तले अगर जितना आपको चाना से कि उसको आप अच्छे तरीके से घोलिए, नहीं तो हमारा जो आलू भी है हम अपना काट कर इधर रेडी कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं प्याज भी हम अपना जीना जीना छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए हैं। तो इधर हमारा कढ़ाई हम गैस पर चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तो हम मीठा ऑयल डाल रहे हैं, आपके पास सरसों का ऑयल है तो आप लोग डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हमारी आज की रेसिपी दही की अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है, तो हम 1 चम्मच छोटे वाले चम्मच से हम अपना जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा थोड़ा सुनहरा तड़क जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो हम जो अपना प्याज जीना जीना कर रखे हैं उसको ऐड कर देंगे। लाल हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो जो हम मसाला पेस्ट बना कर रखे हैं उसको भी ऐड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हम मसाला रखे थे उसको भी हम ऐड कर देंगे, हमारा प्याज भी। तो देखिए हमारी मसाला पकने के बाद हम जैसे पानी लाने गए डालने के लिए सब्जी में, तब तक हमारी लड़की है जो ऊपर चढ़कर किचन के मसाला में हमारी जो आलू का हम पीस कट कर रखे वो डाल दी है। तो हमारा मसाला भी इधर पक चुका था, कोई बात नहीं है। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो इसको देखिए हमारा मसाला पक गया है, तभी भी हमारा तेल ऊपर है, इसलिए इसका रिजल्ट यही है कि आपकी मसाला पक जाएगा तो जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। आप लोग मसाला को अच्छी तरीके से भूनते रहिएगा। तो इसमें हम अब पानी ऐड कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं आप लोग। तो हम थोड़ा ही पानी डालेंगे, क्या है कि शाम का टाइम है तो हमें ज़्यादा रसा की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कम बेसी अपने फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए 2 मिनट के लिए हम ढक दिए हैं, तो 2 मिनट हमारा हो चुका है। तो हम देखते हैं, तो हमारी अभी सब्जियां 2 मिनट के बाद हम देखते हैं, एक बार बीच में हम चला देते हैं। तो अब फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, अभी नहीं हुआ है, थोड़ा इसका रसा जराने का है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लुटपुटार सब्जियां बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे रोटी से खाइए चाहे चावल से खाइए। हरी धनिया की पत्ती हम काट कर रखे हैं उसको भी ऐड कर देते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं। आज की रेसिपी हमारी आप लोग की कैसी लगी फ्रेंड्स, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो।